राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार सोलन में विधिक जागरूकता वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। वॉकेथॉन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से आयोजित की गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन भूपेश शर्मा ने वॉकेथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चार विश्वविद्यालय इसमें LR संस्थान, बहारा विश्वविद्यालय, मानव भारती विश्वविद्यालय तथा सुलनी विश्वविद्यालय के 200 के करीब छात्रों ने भाग लिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र शर्मा ने कहा कि वॉकेथॉन का मुख्य उद्देश्य लोगों को विधिक साक्षरता, समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को प्रदान करने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता तथा मध्यस्थता के माध्यम से मामलों के निपटारे के विषय में लोगों को जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान डोर टू डोर कार्यक्रम, कानूनी सलाहकार डेस्क, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, निबंध लेखन, पेंटिंग इत्यादि पर जागरूकता शिविरों का आयोजन भी किया गया। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से पूरे देश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है कनेक्टिंग टू सर्व। तो आज उसी प्रोग्राम के तहत हम लोग आज यहां इकट्ठे हुए हैं, वॉकेथॉन का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें लॉ स्टूडेंट्स को हमने इन्वॉल्व किया है और 300 के करीब बच्चे हैं, जिसमें मेन पर्पज यही है इस प्रोग्राम का कि लोगों तक पहुंचे और उन तक यह संदेश पहुंचे कि जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जो प्रोग्राम्स और स्कीम्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनको पहुंचाया जाए, उनकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे ताकि वो लोग इसका फायदा उठा सके। जितनी भी स्कीम्स हैं ये औरतों के लिए हैं और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज और अंडर प्रिविलेज जो भी लोग हैं उनके लिए ये स्कीम्स बनाई गई हैं जिसमें फ्री लीगल एड हम देते हैं। उसके अलावा लोगों में फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज और उनके लीगल राइट्स के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है।